ना। सो आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जो आपको समझ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो हम सभी को पता है कि टोमेटोज हमारी स्किन के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट करते हैं और सबसे ज्यादा डी टैनिंग करने में हेल्प करते हैं। सो हम इतने तो फ्री होते नहीं है कि रोज रोज टोमेटोज को कट करके हम रब करें या फिर उसकी रेमेडी बना के फेस पे अप्लाई करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाई हूँ जो आपको डी टैनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ये प्रोडक्ट की पहले पूरी डिटेल्स जान लो, उसके बाद मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी। सो ये है एकाई का ऑर्गेनिक टोमेटिना डी 10 फेस पैक फॉर सूदिंग एंड लाइटनिंग। सो इसमें बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट्स है जो ब्राइटन करता है डल एंड टैन स्किन को। ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लोटस हर्बल। लोटस हर्बल के बारे में तो किसने नहीं सुना है। सो इसमें नायासिनेमाइड है जो पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, ऑल्सो ट्रीट करता है पिगमेंटेशन को एंड प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से। सो ये जेल बेस्ड टोमेटो फेस पैक है जो काफी हाइड्रेटिंग है। एंड बात करें इसके टेक्सचर की तो काफी सॉफ्ट एंड मैट है जो स्किन को काफी कूल रखता है एंड इवन क्लीन भी करता है। सो आपको इवन टोन एंड ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी सिर्फ 10 मिनट्स में। ऑल्सो आप इसको डेली यूज कर सकते हो। सो ये एक बेस्ट एंटी टैन पैक है जो नॉन ड्राइंग फॉर्मूला में है जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। सो आपको इसको यूज कैसे करना है, काफी आसान है। जस्ट आपको इवन लेयर लगानी है, पहले आपको फेस वॉश कर लेना होगा, उसके बाद आप ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हो एंड 10-15 मिनट तक आपको रहने देना है। एंड यस, वापस कह रही हूँ, ये मास्क ड्राई नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो आपको बाद में 10-15 मिनट के बाद आपको मसाज करना है एंड लुक वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको रोज यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं काफी कम क्वांटिटी लगा रही हूँ, बट आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए लाइक आप थोड़ा सा थिक भी लगा सकते हो। बट मुझे ज्यादा टैनिंग नहीं है इसलिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाई हूँ अपने फेस पे। जो बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं उनके लिए तो आई थिंक ये डेली आपको अप्लाई करना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। ओवरऑल आई लव्ड दिस प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक एंड नेचुरली सोर्स इंग्रेडिएंट्स से बनाया है व्हिच इज आल्सो एनरिच्ड विद रियल टोमेटो एक्सट्रैक्ट। सो डी टैनिंग के साथ साथ आपकी स्किन ब्राइटन, ग्लोइंग एंड रेडिएंट भी लगेगी। वेलवेटी टेक्सचर जैसा है, काफी सॉफ्ट टेक्सचर है और इजीली अप्लाई हो जाता है फेस पे। एंड सीरियसली गाइस, ये एकदम 10 मिनट में आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये 50 ग्राम का है एंड प्राइस है 545 रुपीज। ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लोटस हर्बल। लोटस हर्बल के बारे में तो किसने नहीं सुना है एंड किसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। सो आपने प्रोडक्ट की डिटेल तो जान ली, अब बारी है रिव्यू की। तो सबसे पहले बात करूँ पैकेजिंग की तो बहुत ही क्यूट सा है ये, कि जो ये लीड लगाई है, वरना आपका सारा प्रोडक्ट जो है खोलने के टाइम ये सारा लीड में आ जाएगा और लीड गंदा हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उससे काफी मेस भी क्रिएट हो जाता है। सो प्रोडक्ट कोई भी फैंसी नहीं है एकदम, बट काफी एकदम सिंपल एंड सारी डिटेल्स दी हुई है एक ही प्रोडक्ट पे। सो बात करूँ इसकी टेक्सचर की तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। मैंने बहुत सारे ऐसे डी टैनिंग के फेस पैक यूज किए हूँ, बट वो जो टेक्सचर मेन है ना, वो मैंने ऐसा कहीं नहीं देखी हूँ। एंड ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट मैंने पहली बार देखी हूँ जिसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, सिर्फ आपको 10 मिनट्स रख के रिजल्ट मिलता है। सो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ऑल्सो ये प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड ऑल स्किन टाइप पे है। मुझे कोई भी रैशेस वगैरह नहीं हुए फेस पे और जलन तो बिल्कुल भी नहीं हुई। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। आई डोंट नो, जिसकी ड्राई स्किन है वो ये बात समझ सकते हैं, जिनको मेरे जैसे लाइक लगाने के बाद बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, बट थैंक गॉड ये ऐसा नहीं है। और ये काफी मतलब जैसे ही मैंने अप्लाई की उसके बाद मुझे काफी कूलिंग इफेक्ट जैसा लगा। सो यार, यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑल्सो अगर आपको ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।